Are you ready? Let's get money, motherfucker. Get money. ऐसी कोई मेरे टाइप की वेब सीरीज चाहिए जो इस पैंडेमिक में मुझमें जान भर दे। हर सीरीज को एक से दो मिनट में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स से जानेंगे कि वो आपके लायक है या नहीं और क्या हम इन्हें फैमिली के साथ देख सकते हैं या नहीं। आपकी स्क्रीन पर हमारे लास्ट टॉप 5 वेब सीरीज बियॉन्ड इमेजिनेशन की लिस्ट है। कंप्लीट सीरीज की लिस्ट आपको हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर मिल जाए। तो अभी का रिव्यू हम करेंगे टॉप 5 वेब सीरीज बियॉन्ड इमेजिनेशन पार्ट 8। कैसा फील होगा अगर किसी ने आपकी गाड़ी में एक अनजान लाश डाल दी, पैरों से जमीन खिसक जाएगी, पुलिस के पास जाऊं या फिर पता करूं किसने किया ये? इसी लेवल का टेंशन नंबर 5 की सीरीज ने बिल्ड किया है सक्सेसफुली। वेब सीरीज बियॉन्ड इमेजिनेशन में पहली बार बांग्लादेश की एक वेब सीरीज दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव पॉइंट के साथ 2020 की क्राइम मिस्ट्री तकदीर। क्राइम मिस्ट्री और सस्पेंस का परफेक्ट कॉकटेल है ये। और दूसरी बेस्ट बात है एक्टर्स की एक्टिंग। एक्टर्स के क्लोजअप शॉट्स और एक्सप्रेशन से ही आपको इनके अंदर का टेंशन फील होता है। सिर्फ 8 एपिसोड्स 20 मिनट्स ईच आपको एक बार में ही पूरा सीजन खत्म करने के लिए मजबूर करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम है कई ऐसे लॉन्ग टेक शॉट्स में जिसे एडिटिंग में पूरी तरह निकाला जा सकता था, लेकिन इसके बावजूद भले ही लो बजट सीरीज है, ये अपने क्वालिटी कंटेंट से आपका दिल जीत लेगी। एमएक्स प्लेयर पर हिंदी में अवेलेबल इस सीरीज के अंदर किसी तरह का कोई एडल्ट या न्यूड सीन नहीं है, इसलिए फैमिली के साथ मस्ट वॉच। नंबर 4 पे फाइनली एवेंजर्स की यादें ताजा हो गई। कैप्टन अमेरिका सीरीज ने जो बेंचमार्क सेट किया था उसे जस्टिस देते हुए दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट के साथ 2021 की फाल्कन एंड विंटर सोल्जर। सीरीज का मकसद फर्स्ट एपिसोड से ही क्लियर है। आपको इसके 6 एपिसोड्स 50 मिनट्स ईच में विंटर सोल्जर और खास करके फाल्कन का कैरेक्टर बिल्डअप देखने मिलेगा। सीरीज की सबसे खास बात जो मुझे लगी वो है इसके सरप्राइज एलिमेंट। फिर चाहे वो विलन का नॉर्मल रहकर भी सुपर ह्यूमन हो या फिर एक नया कैप्टन अमेरिका, कुछ भी कहो लेकिन हर एक एपिसोड के ट्विस्ट एंड टर्न सीरीज की स्टोरी लाइन को और भी मजबूत बनाते हैं। प्रॉब्लम है हर एपिसोड का एक पैटर्न। शुरुआत में हाई लेवल का एक्शन सीन, बीच में छोटा मोटा एक्शन सीन और कैरेक्टर की करंट सिचुएशन की डेप्थ में और एंड में एक क्लिफहैंगर सस्पेंस। ये पैटर्न हर एपिसोड में रिपीट होता है जिससे 40-60 का रेशियो है, 40% एक्शन और 60% स्टोरी बिल्डअप। फिर भी मार्वल्स की खासियत है ये कैरेक्टर्स में इमोशन डालता है, जिस वजह से इसके सीजन 2 के लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहूंगा। बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आप इसे पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। किसी तरह का कोई न्यूड या एडल्ट सीन नहीं है इसमें। नंबर 3 की सीरीज की इमेजिनेशन को मान गए, एकदम बियॉन्ड इमेजिनेशन। कैसा हो अगर एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाए पूरे टाउन के ऊपर। दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट के साथ साइफाई मिस्ट्री 3 सीजन्स अंडर द डोम। स्टीफन किंग के नॉवल पर आधारित ये सीरीज शुरुआत के एपिसोड से ही आपको हुक करके रखेगी। उसका सबसे बड़ा रीजन है जो भी चैलेंजेस फेस करते हैं कैरेक्टर अंडर द डोम वो एकदम जेन्युइन ग्राउंडेड और आपको भी फील होगा यार मैं होता इस जगह पे तो क्या कर रहा हूं। और इन सबके ऊपर बहुत ही अच्छी हिंदी डबिंग। लेकिन प्रॉब्लम है सीरीज का 13 एपिसोड्स 40 से 50 मिनट्स ही, आपको कई मिस्ट्री के जवाब जानने के लिए एंड तक वेट करना पड़ता है। सीरीज के शुरुआत में ही आप समझ जाओगे कि ये 18 प्लस है, न्यूड सीन्स नहीं है, सेक्सुअल सीन्स जरूर है। नंबर 2 पे भाई साहब कोबरा काय सीरीज के मार्शल आर्ट्स के बाद मैं इस सीरीज की दुनिया में खो गया। फाइनली अमेजॉन प्राइम पर एक बंदा कोई है जिसने हमारी दिल की बात सुनी और इस सीरीज को हिंदी में डब किया। दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट के साथ मार्शल आर्ट फ्रिक्शन फैंस के लिए 3 सीजन्स इनटू द बैडलैंड। मैंने अभी तक सीजन 1 ही कंप्लीट किया है, उसी हिसाब से रिव्यू कर रहा हूँ। सीरीज का सबसे दमदार पॉइंट है इसकी कोरियोग्राफी, खास करके मार्शल आर्ट्स को लेकर। हर एक फाइट सीन को आप वापस रिपीट पे देखना पसंद करोगे। डैनियल वू एस सनी इस कैरेक्टर में तो आप अपने आप को देखोगे। एक्शन और एडवेंचर से भरी ये स्टोरी आपको थोड़ी रिपीटेटिव लगेगी, लेकिन इतनी सिंपल स्टोरी को भी बहुत ही हाई लेवल पे लेके जाकर दिखाया। एक ऐसी दुनिया क्रिएट की है जहां अलग अलग किंगडम है और हर एक किंगडम के अलग अलग मार्शल आर्ट फॉर्म। लेकिन कई बार ऐसा होता है जहां आपको अपना लॉजिक साइड में रखना पड़ेगा। नो डाउट सीरीज की सिनेमेटोग्राफी बहुत ही अच्छी है, लेकिन उसे क्रिएट करने के लिए सारे लॉजिक की धजिया उड़ जाती है। इन सब के बावजूद एक उमदा लेवल की मार्शल आर्ट सीरीज है ये, जिसमें कई सेक्सुअल और एडल्ट सीन्स भी है। 18 प्लस इस सीरीज को आप अमेज़न प्राइम पर हिंदी में देख सकते हैं। नंबर 1 पे तबाही है भाई साहब, सीरीज कोई नहीं कहेगा इसे, बॉम्ब कहो। औकात नहीं है यार, मेरी औकात नहीं है इसे रिव्यू करने की। सीरीज का पहला एपिसोड ही ग्रैंड फिनाले क्लाइमेक्स की तरह लगता है। इंसानों की 3 दीवारों के अंदर प्रोटेक्टेड दुनिया, जहां ये बड़े बड़े जायंट्स ने टाइटंस कहते हैं, एक बहुत ही बेरहम और गंदी मौत देकर तड़पा तड़पा के इंसानों को खाते। कई जगहों पर आप सह नहीं पाओगे, इतना ज्यादा ब्रूटल है। इस पोस्ट एपोकैलिप्टिक डार्क फिक्शन एक्शन से भरी सीरीज का नाम है अटैक ऑन टाइटन। बेरहम मॉन्स्टर से बचाने की इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। बस इससे ज्यादा कुछ भी स्पॉइलर रहेगा। जो नए एनिमेशन में एंट्री करने वाले हैं उन्हें 2 प्रॉब्लम फेस करनी होगी। सबसे पहली तो इसकी इंग्लिश डबिंग बहुत ही अजीब है। आपको शुरुआत में उस अजीब ने
इंग्लिशनेस को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप ओरिजिनल जापानीज में देखते हो तो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आधा टाइम सबटाइटल्स ही पढ़ रहा था। कई बार ऐसा हुआ है स्क्रीन पे वो क्या करके चला गया समझ ही नहीं आया, तो आपके लिए जो ज्यादा कन्वीनियंट हो उसमें आप देख सकते हैं। 24 मिनट्स लंबे एपिसोड, अब तक 4 सीजंस हैं। मैंने अभी तक 2 सीजंस कंप्लीट किए। जब कभी एनर्जी लो हो जाती है बीच बीच में एक दो एपिसोड देखकर मुझमें एक एड्रेनलिन रश आ जाता है। एनीमे जॉनरा में मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस सब्सक्राइबर्स हैं जो इस वक्त कमेंट सेशन में टॉप क्लास की एनीमे सजेस्ट कर रहे हैं। आप सभी को सल्यूट है क्योंकि मुझे एक ऐसी कम्युनिटी मिल गई जिनके साथ कभी ऐसा नहीं लगता कि दुनिया में क्वालिटी कंटेंट की कमी है। ऐसे क्वालिटी कंटेंट की एंट्री अपनी लाइफ में कराने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। हमारी सोच कहीं मैच हुई तो इस वीडियो को लाइक डिसलाइक आपको जो सही लगे वो कीजिए। कंप्लीट वेब सीरीज बियॉन्ड इमेजिनेशन की सीरीज आपको हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। I'm a phenomenon.